घर के पुराने कपड़े फेंकने से पहले ये वीडियो देख लीजिएगा, ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारे जो है इन्फॉर्मेटिव आइडिया शेयर करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। कितना ज़बरदस्त और कितना क्यूट पैक बन के रेडी हुआ है व्यूअर्स, आपका एक रुपया भी नहीं लगने वाला इस पैक को रेडी करने में। बस आपको कोई पुरानी शर्ट ले लेनी है और इस तरह का बैग बना लेना है। तो जो भी पुराने शर्ट का आपको बैग बनाना है वो ले लेना है और उसे इस तरह से फर्श पे बिछा के इसकी दोनों बाजुएं हमें जो है अलग कर लेनी है, तो बहुत आराम से हो जाता है। तो आराम से हम जो है जहाँ से सिलाई लगी होती है ना आर्म होल की, वहीं से हमें इसकी बाजुएं अलग कर लेनी होती है। और अब हम जो है इसे अच्छे से बिछा लें, क्योंकि मुड़ी सुड़ी रखी हुई थी, क्योंकि इसे मैंने बिल्कुल हटा दिया था बेकार समझ के। लेकिन अभी देखिए कितना ज़बरदस्त जो है इसका बैग बनेगा। तो अब यहाँ से जो हमारी कॉलर वाली साइड है ऊपर से शोल्डर वाली, तो उसे मैंने अलग कर लिया है। और हमने जो इसको अलग कर लिया, अब मैं आपको बताऊँगी इसे किस कटिंग में हमें और कहीं से जो कटिंग करनी है वो कहाँ से करनी है वो बता देते हैं आपको। तो अगर हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी बहन को सपोर्ट कीजिएगा। इसी तरह के हेल्पफुल से वीडियो जो है टिप्स एंड ट्रिक्स के मैं वीडियोस लाती रहती हूँ आप लोगों के लिए। तो ये देखिए नीचे से शर्ट भी जो है फट चुका था, तो देखिए फिर भी हम इससे बहुत अच्छा बहुत ज़बरदस्त जो बैग बना लेंगे। तो मैंने नीचे से भी इसकी कटिंग कर दी है, क्योंकि इसकी गोलाई भी आ रही थी और मुझे स्ट्रेट में चाहिए था। और इसी तरह से मैं साइडों में से भी अलग कर लूँगी, क्योंकि ऊपर से भी इसकी शेप आ रही थी। अगर आपकी सीधी है तो आप कटिंग ना करें, लेकिन मेरे में थोड़ी शेप आ रही थी शर्ट में, तो फिर मैंने इसलिए इसकी कटिंग कर ली है। तो देखिए सब तरफ से मैंने इसकी अच्छे से कटिंग कर ली है, कहीं से भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं, एक जैसा कपड़ा हमें लेना है। तो देखिए इस तरह से हमारी कटिंग जो है बीच की निकल चुकी है, साइडों में से जो भी एक्स्ट्रा था और अनइवन था उसे हमने इवन कर लिया है। अब मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ इंचज़ में। तो देखिए 21.5 इंच की इसकी लंबाई है और 15.5 इसकी चौड़ाई है। तो ये हमारे पास कटिंग हो गया शर्ट का, ये बचा हुआ है पार्ट। अब हम दोनों साइडों में से ना इसको सिल लेंगे, तो उल्टा करेंगे पहले और फिर से जो है हमें सिल लेना है। तो मैं इस पे पक्की सिलाई मारूंगी, क्योंकि पक्की सिलाई मारने से फिर बैग जो है अच्छा मजबूत हो जाएगा, तो इसलिए मैं दो बार सिलाइयाँ दोनों साइड से इसमें मार लूँगी। तो यहाँ देखिए सिलाई लग के, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसे मैं सीधा करूँगी, और सीधा करने के बाद फिर इसे मैं क्या कटिंग करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊँगी, बहुत ईजी है बैग बनाना, तो इसे स्किप मत करिएगा वीडियो का, क्योंकि स्किप करने से फिर क्या होता है ना हमें समझ में नहीं आता। तो देखिए इस तरह से इसे फोल्ड कर लिया है। अब इंची टेप लेंगे और यहाँ से 4 इंच और फिर सामने से भी 4 इंच और इसका एक जो है हम बॉक्स बना लेंगे 4-4 इंच का, 4x4 का हमने जो यहाँ पे स्क्वायर बना लिया है। अब इस स्क्वायर की हमें जो है कटिंग कर देनी है, जहाँ निशान लगाया उसी निशान पर। बिल्कुल आराम से बैग बन के तैयार हो जाता है और स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आपको एक भी स्टेप मिस नहीं होगा, बहुत आराम से बहुत इजीली बिल्कुल इजी मेथड में आपको बता रही हूँ। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि हमारी शर्ट ख़राब हो जाएगी या कुछ या नहीं बनेगा हमसे, एक ही बार में ना आप इस वीडियो को देखेंगे ना तो बना पाएंगे बैग। तो देखिए इस तरह से ये कटिंग हमारी तैयार हो गई है बैग की। तो आधे से ज़्यादा काम हमारा हो चुका है, अब थोड़ा सा काम बचा है वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए इंची टेप को इस तरह से रख के हमने सीधा निशान जो है सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है दोनों साइडों में से। तो इस लाइन को ड्रॉ करने का मकसद हमारा ये है, क्योंकि इसमें हमें बद्धी लगानी है, डोरी लगानी है जो बैग में होती है पकड़ने के लिए। तो 2-2 इंच पे हमने यहाँ दोनों तरफ निशान लगा ले, तो 4 निशान लगे हैं। और हम क्या करना है, अब इसको हम जो है इसके बटन जो है खोल लेंगे, क्योंकि अब जो आगे का काम होगा तो वो बटन खुले रहेगा ना, तो फिर ईजिली हो जाता है। तो आपने भी इसके बटन खोल देने हैं निशान लगाने के बाद। और अब हम जो इसकी बद्धी काटेंगे, जो हमने इधर 2-2 इंच पे निशान लगाए ना वहाँ पे हमारी बद्धी अटैच होगी। तो शर्ट की एक बाजू ले ली है, इस एक बाजू से हमारी दोनों बद्धियाँ जो निकल के तैयार हो जाएंगी। तो जहाँ पे नीचे सिलाई होती है फिटिंग वाली वहाँ पे हमने कटिंग कर लिया, और यहाँ पे जो है हमने जो बाजू का कफ था ना वो भी हमने जो है कटिंग कर लिया है।
और अब यहाँ पे साइड में भी जो है यहाँ से जो हमें बद्दी के लिए कपड़ा मिल जाएगा, तो साइड का कपड़ा हम कटिंग करके हटा देंगे क्योंकि इसका हमें कोई काम नहीं है। और ये 3.5-3 इंच के करीब की हम चौड़ाई रखते हुए और जितनी इसकी लंबाई आ रही है उतनी लंबाई ले लेंगे। 19 इंच के करीब इसकी लंबाई थी और 3.5 इंच के करीब इसकी चौड़ाई थी। तो इसको अब हम कटिंग करके निकाल लेते हैं और कटिंग करने के बाद फिर हमें इसे बीच में से अलग करना होगा, क्योंकि बीच में से अलग करेंगे तो हमारी दो जो बद्दियाँ बनेंगी वो तैयार होंगे। तो यहाँ से भी मैंने अब सीधा कर लिया क्योंकि साइडों में से भी, क्योंकि बाजू की ये जो है कपड़ा है तो फिर बाजू जो थोड़ी तिरछी होती है तो इस वजह से, तो यहाँ पर भी हमने कर लिया। अब बीच से कटिंग कर देंगे तो दो बद्दियाँ हमारी जो है तैयार हो जाएगी। अब इसे सिलना कैसे बहुत ईजी है, बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी। और देखिए इस तरह से दोनों तरफ से ना थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना, फिर बीच में इस तरह से रख लेना है तो दोनों तरफ का एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर जाएगा और उसके ऊपर सिलाई जाएगी। तो देखिए मैंने सिल लिया इस तरह से दोनों बद्दियों को। भी इसे लगाना कैसे है चलिए वो भी देख लेते हैं। बहुत ईजी मैथड है उसका भी, लेकिन बस आपको इसे मजबूती से लगाना होगा। 3 से 4 बार इस पर इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा देंगे ताकि अगर आप इसके अंदर कुछ हैवी भी रखें ना तो बद्दी जब आप पकड़ के बैग को उठाएँ तो ये निकले नहीं। तो देखिए इस तरह से मैंने जो है हम दोनों तरफ जो है 2-2 इंच पे जो निशान लगाया था उधर रखते हुए मैंने दोनों बद्दियों को लगा लिया है। और अब हमें क्या करना है आगे चल के देख लेते हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा है तो। और यहाँ पे अब हम जो है बटन लगा लेंगे। और अब बटन लगाने के बाद हमें क्या करना है ना, अब इसकी जो साइड इसको पहले हम उल्टा करेंगे क्योंकि अब जो सिलाइयाँ लगेगी वो सारी उल्टे में लगेगी, तो इसलिए आपको भी इसे उल्टा कर देना और जो दोनों डोरियाँ थी ना उसको अंदर बीच में कर दें ताकि सिलाई के बीच में ना आ जाए। तो इसलिए दोनों जो बद्दियाँ थी वो अंदर कर दी। अब दोनों तरफ से हमें इसको सिल लेना है, पक्का कर लेना है। अब यहाँ पर ये सिल चुका है और अब इसके बाद ये फाइनल सिलाई, बस लास्ट सिलाई ये है। अब चारों कोनों में जो इस तरह से हमने कटिंग करी थी ना उसे इस तरह से सीधा रखते हुए, देखिए बहुत ईजी मैथड है, बिल्कुल आराम से मैं आपको बता रही हूँ और दोबारा बता रही हूँ ताकि आपको जो है ईजी हो जाए, कुछ भी मुश्किल ना हो। तो देखिए इस तरह से पकड़ना है और सीधा कर लेना है और फिर बस सिंपली जो है 2 बार सिलाई चला दे, पक्का हो जाएगा, फिर बिल्कुल भी सिलाई कहीं नहीं जाएगी। और कितना भी भारी सामान रखें बहुत अच्छा रहता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप कहीं भी जा रहे तो थोड़ा बहुत सामान इसमें रख के ले जा सकते हैं। तो देखिए सिलाई लग चुकी है, बैग हमारा बिल्कुल बनके तैयार है। तो देखिए कितना झटपट जो है हमने इतना शानदार सा, इतना ज़बरदस्त सा, क्यूट सा बैग बना के तैयार कर लिया। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छा इसका फाइनल लुक था जब मैंने इसके अंदर जो है कपड़े रखे। तो मैं आपको रख के भी दिखाऊँगी ताकि आपको भी पता चल सके कि किस तरह से इसका लुक आया था ओवरऑल। तो देखिए इस तरह से इसे खोल लिया तो कितना आसान है, बटन से खुल जाएगा, कोई जिप लगाना नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड नहीं करना, बस थोड़ी सी हमने कुछ सिलाइयाँ लगाई और हमारा जो है पुरानी शर्ट से ही बहुत ज़बरदस्त सा ना बैग बन के तैयार हो गया। अब इसके अंदर आप कुछ भी रखें कुछ भी, और इसे आप घर में भी जो है अपनी अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी इस तरह के बैग्स को ना जो है बना के रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना आपकी अलमीरा में ना बहुत अच्छा खासा स्पेस हो जाएगा क्योंकि इस बैग में काफ़ी सारा जो है सामान आ जाता है। जैसा कि आपने देखा मैंने कितने सारे इसमें कपड़े रख दिए, बहुत आराम से जो है कपड़े आ गए। और कपड़े आने के बाद बस सिंपली हमें बटन लगा देना है, आराम से बटन लग जाएंगे। और देखिए इसका फाइनल लुक इस तरह से आया है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहीं पे कुछ समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट करिएगा, आपकी बहन जो है आपकी जो है बहन आपको रिप्लाई करेगी और हेल्प करेगी। तो देखिए कैसा लग रहा है, तो देखिए मैंने आपको उठा के भी दिखा दिया कि कितना मज़बूत है, बिल्कुल इसकी डोरी जो कहीं नहीं जाने वाली, बहुत अच्छे से सामान इसमें रख के ले जाएं लाएं या अपने अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ करने में इस तरह के बैग यूज़ करें, बिल्कुल जीरो कॉस्ट में बनके तैयार होते हैं। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
ये ऐसे ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं हर बार राशन में हमें मिलते हैं और हम फेंक देते हैं, तो बिल्कुल भी मत फेंकेगा। जब आपने इस तरह की मेरी आज की वीडियो देख ली ना इससे रिलेटेड कि मैं इससे ऐसा क्या हेल्पफुल सा बनाने वाली हूँ जिसे आप ना ज़रूर देख के बनाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आजकल ये इतने महंगे महंगे हैं ना ऑनलाइन मिल रहे हैं ना कि हर कोई चाहता है हम परचेस कर लें। लेकिन मैं आपको ना इस जो चावल के बैग से बनाना बताने वाली हूँ जिससे ना आप कभी भी बाय नहीं करेंगे और बिल्कुल घर में बनाएंगे बिल्कुल जीरो कॉस्ट में, क्योंकि आपके खुद ही हाथों से आप घर में बना लेंगे तो इसलिए जीरो कॉस्ट आएगा। तो देखिए इस तरह से ना आपने इसे नीचे से कट कर लेना है और साइडों से कट कर लेना है, फिर ये होगा पूरा खुल जाएगा। तो इस तरह से आपने भी खोल लेना है। तो इतना मेरे साथ साथ करिए ताकि आपको भी हेल्प हो जाए और साथ साथ जब करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने काट लिया है। अब मैं इसकी आपको लंबाई और चौड़ाई बताती हूँ। तो ये हो गई हमारी, ये है लंबाई 37 इंच, 37 इंच है चौड़ाई, लंबाई है 27 इंच। तो ये हो गया और अब हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 तय कर लिया और देखिए बंद साइड उस साइड हो गई और खुली साइड इस तरफ है मेरे सीधी साइड। तो देखिए हमें जो है जो खुली साइड है ना हमारी, वहाँ से हमें निशान लगाना है जहाँ पे चारों कोने खुले हुए हैं। ये देखिए 8-8 इंच पे मैं ना निशान लगाऊंगी और इसे एक स्क्वायर बना लूँगी 8-8 इंच का, 8x8 का हमने स्क्वायर बना लिया इधर। अब हमें इसे कटिंग कर देना है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आप भी इसे देखिए और बनाइए। और इतने कमाल का ये बनता है ना कि आप कभी भी ना इस तरह के ना बाटे बैग हो या चावल का बैग हो या कोई भी इस तरह का कट्टा हो बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। अभी यहाँ पे मेरे पास ये एक्स्ट्रा जो है दुपट्टा रखा हुआ था कॉटन का है और इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो क्योंकि ये कहीं से घिस के फट चुका है, तो इसलिए मैं इसे यूज़ करूँ। और इसे मैंने सीधा ही रखा है एम्ब्रॉयडरी से, आपको पता चल रहा होगा। अब मैं इसको इस पे रख लूँगी और जो है जितना मुझे चाहिए ना वहाँ से मैं कट कर लूँगी इस दुपट्टे को। और मैं चारों तरफ ना इसके सिलाइयाँ लगाऊँगी, एक तरफ ना मैं खोल के छोड़ूँगी ताकि इसे मुझे सीधा पलटने में इजी हो जाए। तो पहले मैं इसको कट कर लेती हूँ बीच में से क्योंकि इतना ही मुझे चाहिए। और किस तरह से सिलेंगे ना, आप चाहें ना तो इसमें ना पिन लगा सकते हैं, छोटी छोटी सी पिंस आती हैं उससे लगा ले ताकि इससे आपकी हेल्प हो जाए और ताकि बीच में झोल ना आए, क्योंकि कई लोग बिल्कुल सिलाई नहीं करते ना तो उनसे क्या होता है ना झोल आ जाता है। तो देखिए इस तरह से आप इसको पिन को अटैच कर लेते हो, उससे पता रहता है कि हमें यहाँ पे इतना कपड़ा है और हमारे को कोई टेंशन नहीं, सीधा सीधा सिलाई लग जाएगी। तो देखिए इस तरह से कर लिया। अब एक साइड इसकी खुली रखनी, तो वो भी मैं आपको बता दूँगी कि कौन सी साइड खुली रखनी है आपने। तो देखिए इस तरफ से पिन निकाली है हमने और जो है क्योंकि सिलाई में लगा चुकी और एक साइड मैंने खुली रखी हुई है, मैं क्या करूँगी जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन था ना मैं उसे कट कर लूँगी। तो कोई भी एक साइड आप खोल के छोड़ सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि यहीं की साइड खुली रखनी है, लेकिन हाँ बड़ी साइड को खुली रखिएगा। और अब एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक होगा ना हमारा हम उसे कटिंग करके हटा देंगे और पिन भी हम साथ साथ रिमूव करते जाएंगे और उसे संभाल के रख लेंगे, क्योंकि पिन से ना काफ़ी काम आती है इस तरह के, जब हम काम करते हैं ना तो काफ़ी हेल्प हो जाती है पिन से। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने सारा कपड़ा काट दिया और ये साइड देखिए मैंने खुली रखी हुई थी, तो आपने भी इसी साइड खुली रखनी है। एक्स्ट्रा काट देंगे और थोड़ा सा दोनों तरफ से ना थोड़ा थोड़ा मैं मोड़ूंगी और वहाँ पे भी किस तरह से सिलाई करनी है वो भी बताऊंगी, पहले मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने अब यहाँ पे इसे सीधा कर लिया, बहुत ही चंद मिनटों में ना ये बन के तैयार हो जाता है, बहुत ही ईजी है। अब इतना महंगा महंगा ऑनलाइन ख़रीदते हैं, इससे अच्छा हम घर के जो भी हमारे पास वेस्ट सामान है ना उससे बन जाए और यूज़ भी हो जाए अच्छे से, तो कितनी अच्छी बात है ना कि हमने वेस्ट चीज़ों से इतना अच्छा कमाल की चीज़ बना ली। तो देखिए इसके चारों कोने ना अच्छे से हम कोनों को सीधा करेंगे, देखिए सीधा हो चुका है। अब यहाँ सिलाई किस तरह से लगानी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे। देखिए ये खुला मैंने रखा था तो मैं थोड़ा थोड़ा सा कट्टे को भी मोड़ूंगी, कपड़े को भी मोड़ूंगी और बीच में फिर सिलाई लगा दूंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है, आधा आधा इंच के करीब अंदर मोड़ा है और अब इस तरह से ना चारों कोने में ना हमें पकड़ पकड़ के ऐसे सिलाइयाँ लगा लेनी है, पक्की सिलाई ताकि खुले नहीं। तो देखिए चारों तरफ मैंने सिलाइयाँ लगा ली है। अब मैं इसे सेट करके आपको दिखाती हूँ कि क्या बन गया है, इतना अच्छा बना है ना कि आप ना इस वीडियो को देख के ना मुझे ज़रूर से ज़रूर दुआएं देंगे कि बहुत अच्छा बहुत बेहतरीन सा ना आपने बेकार पड़े कट्टे और कपड़े से हमें ऑर्गेनाइज़र बनाना बता दिया है। देखिए हमारा यहाँ पर बहुत ही किफ़ायती सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है,
है। बिल्कुल भी महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं, घर के पड़े बेकार सामान से आप इसे बना सकते हैं। अब मैं आपको इसको कपड़े भी रख के दिखा दूँगी कि कितना अच्छा लुक आया है इसका। बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हम अगर ऑनलाइन ख़रीदते तो और अच्छा होता। तो देखिए, आप अपने घर में ही इतना आराम से इसे बना सकते हैं। पुराने पड़े कट्टे से हमने कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र बना लिया, देखते ही देखते। और बहुत इजी और बहुत चंद मिनटों में बनके तैयार हो जाता है। आई होप आपको मेरा ये तरीका पसंद आया है। पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इस तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही जो है शर्ट से किस तरह से बैग बनाया ना, पुरानी ओल्ड शर्ट से, वो भी शेयर करा था। उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल सी वो वीडियो है। बहुत अच्छा जो है मैंने शर्ट से बैग बनाना बता रखा है आप लोगों को। तो देखिए, इस तरह से कपड़े रख लिए, और ये देखिए अलमीरा में यहाँ जगह है तो मैंने यहाँ पर रख लिया है इस ऑर्गेनाइज़र को। देखिए कितना अच्छा लुक आया, माशाल्लाह बहुत अच्छा लुक आया है। आई होप आपको ये पसंद आया हो। पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और यहाँ देखिए, जीन्स वाला भी मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया था छोटा सा, इसकी भी वीडियो मैंने शेयर कर रखी है। उसे भी घर में होते हैं और इसे हम कबाड़ समझ के फेंक देते हैं, तो बिल्कुल भी मत फेंके। और इसके ऊपर का जो है हिस्सा, उसे हमने काट के अलग कर लिया है, और अब ये तैयार है इसको रीयूज़ करने के लिए। और अब हम ले लेते हैं जो भी आपके घर में कतरन हो, कपड़े हो, जो आप सोच रहे हैं कि इसका कुछ यूज़ नहीं हो सकता, वही कपड़ा ले। और देखिए कितना ना शानदार, कितना ज़बरदस्त आपका ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार होगा। तो उल्टा करेंगे बॉक्स को, और जो ऊपर की साइड जो है रेक्टेंगल बना हुआ है ना, उतना हमें कपड़ा लेना है। साइडों से सिर्फ आधा आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। तो बहुत कम सिलाई में बनके तैयार होता है, और ये ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार होगा ना आपका, जिसे आप वॉश भी कर सकते हैं। और आप देखिए साइडों से डबल लेयर में, और इसको हम नाप लेंगे इस तरह से। बस आपको ध्यान रखना है इसे डबल लेयर में कपड़ा लेना। तो यहाँ कम है तो मैं इसे जोड़ लगा लेती हूँ, और फिर आपको जोड़ लगाने के बाद दिखाऊंगी कि कितना ये आ रहा है। और आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए पूरा इस तरह से रैप हो जाएगा, और ये डबल लेयर में है, डबल फोल्ड है, और इस तरह से यहाँ पे हमें सिलाई करनी होगी। तो वो आगे मैं बताऊँगी किस तरह से। ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ। और अब मैंने कटिंग कर लिया है। अब ये ऊपर का और साइडों का जो भी है वो हमारा कट के तैयार है। और अब नीचे से हम क्या करेंगे, इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो आप चाहे तो डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएं, या एक बार फोल्ड करके भी लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने एक बार फोल्ड करके नीचे से सिलाई लगा ली। आप चाहें तो यहाँ लेस लगा सकते हैं। मेरा कपड़ा बहुत हैवी सा लुक दे रहा था, तो मैंने इसमें लेस नहीं लगाई है, क्योंकि वो अच्छी नहीं लगती। और अब हम क्या करना है, इसको दोनों सिरे को पकड़ के साइड से हमें सिल लेना है। तो यहाँ पर ये बड़ा वाला रेक्टेंगल तैयार हो गया, जिसके हमने डबल फोल्ड करके मेजरमेंट लिया था। तो अब ये हमने जो ऊपर के लिए लिया था, जो कटिंग करा था, जो हाफ हाफ इंच ज़्यादा था, तो उसे हमने जहाँ पे सिलाई नहीं हो रखी है वहाँ रखना है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको, और आप चाहें तो इसे अपनी सहूलत के लिए, ताकि इजी हो जाए आपको, इसमें लगा लेंगे पिन। और इसके लगाने के बाद अगर आपको लगे ना ये एक्स्ट्रा है, तो आप कटिंग करके हटा सकते हैं, क्योंकि कई दफ़ा ना कपड़ा जो है एक बार में मेजरमेंट करने से नहीं आ पाता, और कई बार हम बिल्कुल न्यू होते तो भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो न्यू होता है ना, स्टिचिंग वगैरह थोड़ी भी करता है, तो उसको थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, आप इसे कटिंग करके हटा दीजिए जो एक्स्ट्रा होगा। इसलिए हम पिन लगा के देखेंगे, जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम हटाएंगे, और नहीं होगा तो सीधा सिल देंगे, बहुत ईजी है। तो यहाँ देखिए रेक्टेंगल जो मैंने कटिंग करा था, उसे भी मैंने इस तरह से ले लिया। तो ये दोनों कॉर्नर हो गए, और इसके अपोजिट साइड में जो कॉर्नर है उसे भी मैं इस तरह से पिन लगा लूँगी, और फिर दोनों साइड की सिलाई बच जाएगी, जो लंबी वाली सिलाइयाँ होंगी तो वहाँ पे भी मैं पिन लगाऊंगी। बहुत इजी है और इतना किफ़ायती है ना। ये देखिए कपड़े इस तरह से ना कटिंग वाले वेस्ट ही जाते हैं, हम फेंक ही देते हैं। और जो हमने जूते का डब्बा यूज़ करा है वो भी हम क्या करते हैं ना, फेंक देते हैं, कुछ यूज़ नहीं लेते। तो अभी देखिएगा कितना बेहतरीन ना आपका ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार होगा। और इसकी सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगती है कि हम इसके कवर को ऊपर से निकाल के ना धो सकते हैं, और चेंज करना चाहे तो एक और बना सकते हैं। जब ये धो दिया तो दूसरा वाला लगा के रख सकते हैं। तो अब देखिए दोनों आमने सामने की मैंने पिन लगा दी, और यहाँ अब मैं फिर यहाँ से दोनों आमने सामने लगा दूँ। तो यहाँ देखिए मुझे एक्स्ट्रा लगा, तो मैंने कटिंग करके हटा दिया, और मैं दोबारा से अब ना आपको पिन लगा के दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर पिन लगा देनी है हमें, और ऐसे ही इसके सामने भी हमें पिन लगानी है।
तो आई होप आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, समझ आ रहा हो। कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगी। तो अब देखिए हमें इसको चारों तरफ से ना पिनअप कर देना है अच्छे से, और आपको मैंने बता ही दिया एक्स्ट्रा जो होगा उसे हम कटिंग कर लेंगे। तो मैंने जब एक्स्ट्रा वाला मेरा जो बॉटम का था ना, जो जूते के डब्बे का निचला वाला हिस्सा, वो साइड मेरा जो है ज़्यादा था, तो मैंने वही इसको कटिंग करा और दोबारा से इसे पिनअप कर दिया है। तो बहुत ईजिली जो है ये हो गया, तो एक बार नापने से ही पता चल जाता और दूसरी बार में बिल्कुल परफेक्ट आएगा आपका, और फिर आराम से आप इसे सिल सकते हैं। और इससे पिन लगाने से क्या होता है ना, सिलाई खोलने की झंझट नहीं होती। तो ये देखिए अब ये चौथी साइड देखिए बिल्कुल बराबर आई है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। मैं आपको ना सिलाई लगा के फिर दिखाती हूँ कि ये किस तरह से इसका लुक आया है और किस तरह से इसे हमें लगाना है। तो अब ये देख लीजिए मैंने यहाँ सिलाई लगा चुकी हूँ चारों तरफ, और ये हमारा ऑर्गेनाइज़र जो है बनके तैयार हो गया है। तो अब हम इसे अच्छे से प्रॉपर लगा के आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए ये हमने शू बॉक्स ले लिया, और इसे हमें अच्छे से इसे पहना देना है ताकि अच्छी तरह से ना ये सब जगह से ढक जाए। तो यहाँ देख लीजिए कितना अच्छा लुक आया है ना, कोई कह नहीं सकता कि इसके अंदर हमने शू बॉक्स यूज़ करा है। तो देखिए लग रहा है ना, जो मार्केट में हम महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र देखते हैं और हमें पसंद आते हैं उस तरह का, तो देखिए आपका ये कबाड़ से जुगाड़ हो गया है, और आपकी अलमीरा भी ना इससे बहुत अच्छा जो है ऑर्गेनाइज हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से ही हो गया। अब एक चीज़ इसमें और ज़रूरी है, वो मैं आपको बता देती हूँ जिससे इसकी और अच्छी फिनिशिंग आएगी, और वो ना आप बिल्कुल भी ना उसको ना इग्नोर मत कीजिएगा और ज़रूर से ज़रूर इसे लगाइएगा। तो अब मैं नीचे के लिए ना इस जो हमने ऊपर से इसका कटिंग करके हटाया था ना, इसके पार्ट को अब मैंने कटिंग कर लिया है इसके अंदर के साइज़ को लेके। तो अब देखिए इस तरह से हमने जब लगा दिया ना, तो देखिए बहुत अच्छे से ना इसमें फिनिशिंग आ गई। जो हल्का लूज सा कवर इसका लग रहा था ना, वो भी जो है टाइट सा हो गया, और देखिए बिल्कुल अच्छा सा हमारा मार्केट वाला ऑर्गेनाइज़र बनके घर में बिल्कुल जीरो कॉस्ट में बनके तैयार हो गया। आप देखिए इस तरह से हमारे कपड़े रखे रहते हैं, जो कि हमें देख के ना सर में दर्द हो जाता है। तो इन सब कपड़ों को मैं आपको ऑर्गेनाइज़ करके दिखाती हूँ, देखिए कितने बेहतर और कितने अच्छे लगेंगे इसमें रखे हुए कपड़े। तो आपका दिल भी चाहेगा कि आप जो है अपनी अलमीरा को टाइम दें और अपनी अलमीरा को सही से ऑर्गेनाइज़ करके रखें। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बनाइए और अपनी अलमीरा को ना बहुत अच्छा सा लुक। और अभी तक आप मेरी वीडियो में बने हुए वीडियो को देखा है तो थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त मेरे वीडियो को देने के लिए। और वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपनी बहन को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे से टिप्स एंड ट्रिक्स की और जो है किचन क्लीनिंग हैक्स वगैरह की वीडियो लेके आती रहती हूँ। और हमारा वीडियो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए लग रहा है ना बिल्कुल ऑनलाइन जो ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं सेम वही। तो चलिए दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो पुरानी बेकार जीन्स को फेंकने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा ही काम का वीडियो है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपनी बहन को खूब सारा सपोर्ट करें। तो आयज़ा और आकिफ भी मेरे साथ है इस वीडियो में, उन्हें दुआ प्यार दीजिएगा। तो यहाँ देख लीजिए ये पुरानी जीन्स ले ली है हमने, जो कि नीचे से भी ख़राब है, तो इसका क्या यूज़ हो सकता है वो आगे चल के आपको वीडियो में दिखाते हैं। तो यहाँ से मैंने जो नीचे मोरी की तरफ होती है ना, वहाँ से मैंने इस पीस को कट करा है जीन्स के। आपको भी इस तरह से कट कर लेना है, और ये थोड़ा सॉफ्ट वाला कपड़ा है जो भी आपके पास हो, दोनों को एक साइज़ से हम कट कर लेंगे। तो 10x10 का ये जो हमारे पास हमने कटिंग रेडी करी, और यहाँ पे हमने जो भी आपके पास आटे चावल का जो भी बैग हो उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे स्किप करना चाहें यूज़ करने के लिए तो भी कर सकते हैं, क्योंकि जीन्स वैसे ही थिक होता है तो इसलिए इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो आटा बैग लिया था ना, उसे भी मैंने इसी साइज़ में कट कर लिया। अब इसको सिल देते हैं, इसके ऊपर चारों तरफ सिलाइयाँ लगा लेंगे। बहुत ईजी है और इतना अच्छा ना ये स्टोरेज बैग कह लीजिए, बहुत क्यूट सा बनके तैयार होता है, जो कि आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, यूज़ करने में भी, और जो बिल्कुल बेकार के आपके सामानों से बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सिल के ये तैयार है, इसके सारे कोने जो चारों मैंने कटिंग कर ली, और इसको अब देखिए मैंने हाफ में इस तरह से फोल्ड करा। यहाँ से मैंने 2 इंच ले लिया है, आपको भी इसी तरह से करना है, और इस साइड से भी 2 इंच ले लिया है। तो बहुत अच्छा सा ना ये हमारा DIY और ऑर्गेनाइज़र जो बनके तैयार होने वाला है। तो देखिए इस तरफ से भी 2, इस तरफ से भी 2,
तो 2x2 का हमने ये स्क्वायर बना लिया है। अब इसकी हमें क्या कर देनी है, कटिंग कर देनी है। और जो ये पहला जो मेरा हिस्सा है और जो दूसरा वाला ये सॉफ्ट कपड़े वाला हिस्सा है और जो दूसरा जीन्स वाला है ना, उस पर भी सेम प्रोसेस हम जो है करेंगे। और बहुत ईजी है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारा कुछ बता रखा है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से क्या होता है ना, हमें कई स्टेप ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते। हालांकि बहुत ईजी है, लेकिन स्किप करने से थोड़ी मुश्किलात का सामना हो जाता है। तो देख लीजिए, इस तरह से ना इसको कटिंग करके हमने तैयार कर लिया है। बहुत कम टाइम में बन के ये तैयार होता है। बहुत ज़्यादा इसमें कह लीजिए ताम तोड़ा ऐसा कुछ नहीं जो आपको समझ में ना आए। तो देख लीजिए, इसको कटिंग कर लिया। अब जीन्स वाले जो हमने कटिंग करी थी ना, उसको भी हम जो है, अब ये जीन्स वाला जो लिया था हमने कटिंग, वो भी हमारा रेडी हो चुका है। कटिंग होकर 2x2 का स्क्वायर लगाया और कटिंग कर लिया। तो अब ये देखिए, आयज अभी आके खड़ी हो गई कि मम्मा चलो मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ, लेकिन बच्चे हेल्प करने की जगह काम को मुश्किल कर देते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, हो गया ये कटिंग के तैयार। अब हम इसे स्टिच कैसे करना है वो भी बताती हूँ। देखिए, इस तरह से ना फोल्ड करना है और दोनों साइड में सिलाई लगा लेनी है। तो आप चाहें तो इसे हाथ से भी सिल सकते हैं या मशीन से भी, सिलाई मशीन से। तो देखिए, ये दोनों हमारे जो है सिल के तैयार हो गए। इसको अब इस तरह से हमें सिल लेना है दोनों साइडों से। तो ये दोनों पीस को दोनों दोनों साइड से सिलेंगे, तो चार सिलाइयाँ हमें लगानी है। तो चारों सिलाइयाँ हमारी लग के हुई है तैयार। अब बस जस्ट दो कुछ सेकंडों में हमारा ये है ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार होने वाला है। तो लास्ट स्टेप आपको दिखा देते हैं। देखिए, दोनों की शेप हमने अच्छे से कर ली है और दोनों को हमने जो है उल्टा करके ही सिलाई करा है। किस तरह से उल्टा सीधा, वह वीडियो में देखिएगा, आपको ध्यान से तो पता चल जाएगा। अब इस तरह से सिलाई कर लेंगे और 2 इंच के करीब हम छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए, 2 इंच के करीब मैंने छोड़ दिया था। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सीधा करने के लिए मैंने 2 इंच छोड़ा था। अब इसको हम जो है सीधा कर लेंगे। तो जीन्स है तो थोड़ी मुश्किल होगी सीधा करने में, लेकिन जो है आराम से फिर भी हो जाएगा, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम कोई काम कर रहे होते हैं तो वैसे मुश्किल होती है। तो इसलिए घबराइएगा मत, आराम से बिल्कुल ही हो जाएगा। तो देखिए, ये हमारा जो है सीधा हो चुका है। और अब हमें जहाँ पे हमने जो 2 इंच जो हमने छोड़ा था ना, जिस पे सिलाई नहीं करी थी, अब उसे भी हम सिल लेंगे। तो जीन्स की वजह से ना ये मोटा हो जाता है, तो क्या पता सिलाई मशीन पे ना आए, कई दफ़ा सिलाई मशीन की सुई भी टूट जाती है मोटे होने की वजह से। तो आप इसे हाथ से भी सिल सकते हैं, इस तरह से पकड़ लीजिए और हाथ से सिल लीजिए। तो मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ। तो देखिए, सिल के हमारा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो चुका है। और देखिए कितना क्यूट और कितना अच्छा, और इसमें हम क्या क्या रख सकते हैं वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी बहन को सपोर्ट कीजिए इस तरह की हेल्पफुल सी वीडियो देखने के लिए। क्योंकि मैं अपने चैनल पर DIY और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो शेयर करती रहती। तो देखिए, है ना बहुत कमाल का ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र। तो देखिए कितना हैंडी और बहुत अच्छा है। देखिए, इस तरह से ना आप छोटे छोटे से जो कपड़े होते हैं ना बच्चों के, उसको इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकअल्लाह।